नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली आने वाली है और दोस्तों भारत में दीपावली को लेकर के अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि 31 अक्टूबर को मनेगी या 1 नवंबर को। किसी भी दिन आप मनाएं, लेकिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का हम सबसे पहले इस वीडियो में मौसम का हाल ज़रूर जानेंगे। दोस्तों, आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली आपके घरों में अच्छी धन सुख शांति और समृद्धि लाए, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, आने वाले 31 अक्टूबर को दिल्ली NCR के क्षेत्र में अभी ठंड का माहौल नहीं चल रहा है और टेम्परेचर दिन का 32 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, और यही टेम्परेचर दीपावली वाले दिन 31 तारीख और 1 नवंबर को अधिकतम रहेगा। न्यूनतम तापमान में हल्की सी गिरावट और ये 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। देश के अन्य राज्यों की यदि बात करें तो वहाँ पर केरल और तमिलनाडु, साथ ही तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। बाकी देश के अन्य भागों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। दीपावली सभी की बड़ी अच्छी सी मनेगी। कुछ राज्यों में जहाँ पर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ बिहार के हिस्से और मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कई इलाके धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन मौसम साफ रहेगा और दीपावली पर पटाखों की गूंज होगी, धुआं उठेगा, पोल्यूशन होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा गर्मी रात में भी बढ़ सकती है और टेम्परेचर 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। दिन का भी तापमान एक दो दिन थोड़ा गर्म रह सकता है, लेकिन दीपावली वाले दिन यानी कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिल्ली NCR में तो टेम्परेचर आपको बता ही दिया कि 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में दिन में रहेगा। गर्मी थोड़ा सता सकती है अभी एक दो दिन। तो कुल मिलाकर के सभी लोगों की दीपावली बड़े धूमधाम से मनेगी। कुछ दक्षिणी केवल क्षेत्रों में भारत के जरूर कहीं पर तेज़, कहीं पर हल्की बारिश थोड़ा मूड बिगाड़ सकती है दीपावली का, अन्यथा बाकी अन्य जगहों पर भारत के अन्य राज्यों में मौसम ठीक रहेगा और दीपावली आप सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।